जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 की नई भर्ती के बारे में। और एसएससी की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट यहां पे एसएससी जीडी कांस्टेबल कैंडिडेट को दिया गया है, जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन इस नोटिस के बारे में देने वाला हूं कि क्या एसएससी की तरफ से बोला गया है और क्या आपको हिदायत इसमें बरतनी है, जिससे कि आपसे कोई प्रॉब्लम आपको आगे फ्यूचर में आपके लिए क्रिएट ना हो जाए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पे आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग चक्स पब्लिकेशन की बेस्ट बुक आती है, जिससे आप अपनी तैयारी काफी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये बुक आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाती है। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाकर आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। साथ ही में इसके प्रैक्टिस सेट एंड सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाते हैं, तो ये भी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से मिल जाएंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया, वहां से जाके आप इसे परचेज कर पाएंगे। अब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं नोटिस, जो कि एसएससी की तरफ से जारी किया गया, जो कि एक इंपॉर्टेंट नोटिस के तौर पे यहां पे अपडेट किया गया। और आप देख सकते हैं ये जो डेट है 11/11/2022 को इसे अपडेट किया गया अंडर सेक्रेटरी। तो यहां पे आप देखेंगे ये जारी किया गया कांस्टेबल जीडीएन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ एसएसएफ राइफलमैन, यानी कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 की भर्ती के लिए इसे जारी किया गया। और यहां पे आप सभी को बताया गया है इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जारी किए गए हैं, आप सभी को बता दें शुड सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट 30/11/2022। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इसकी लास्ट डेट है 30/11/2022, 30 नवंबर। तो इससे पहले इन्होंने बोला है कि आप सभी को इसकी लास्ट डेट का वेट नहीं करना और आप सभी को जल्दी से जल्दी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है, क्योंकि लास्ट डेट जब आती है तो लास्ट डेट में क्या होता है कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि डिसकनेक्ट हो जाता है, कि लॉगिन नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक आता है और लास्ट में टाइम कम बचा होता है। तो इसी के कारण बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं हो पाते और फिर उसके बाद कैंडिडेट जो होते हैं वो कंप्लेन करते हैं। लेकिन इसमें क्लियर आप सभी को कर दिया गया है कि शैल बी ग्रांटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस। तो यहाँ पे क्लियर किया गया है कि नो एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन शैल बी ग्रांटेड। तो यहाँ पे क्लियर आपको बताया गया है कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं तो आपको आगे इसके लिए कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, फटाफट से सभी लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें। मेरी भी आप सभी को यही सजेशन है कि आप सभी लोग फटाफट से जाके अपना फॉर्म भर दीजिए। और सबसे मेन चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो रखनी है कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, साइबर कैफे की जगह आप खुद से फॉर्म फिल करें, क्योंकि साइबर कैफे से जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप लास्ट में जाके आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं कि सेलेक्टेड होने के बाद भी उन्हें भर्ती से बाहर होना पड़ता है और वो सारी गलतियां जो रहती हैं वो साइबर कैफे के द्वारा हो जाती हैं। वहाँ पर हम जब तो ध्यान नहीं देते तब हमें छोटी गलती लगती है, लेकिन उसके बाद वो बहुत बड़ी गलती बन जाती है। तो इसीलिए आप सभी को अगर साइबर कैफे से आप भरवा भी रहे तो उसे कम से कम दो बार क्रॉस चेक करें, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो आई होप कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आपको मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जल्दी से जल्दी अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।